फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेस्ट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी लेकर आई हूँ। इसके ऊपर मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो शेयर करी है, वो कुछ मैंने सिंपल और इजी वे में आपके पास साथ में एक एक्टिविटी शेयर करी थी, जिसके थ्रू बच्चा इजी कर पाए और बच्चे का ब्रेन भी डेवलपमेंट हो। आज मैं थोड़ा सा टफ लेकर आई हूँ। और आजकल के बच्चे आप देख ही रहे हैं, मोबाइल और टीवी में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बच्चों का पूरा ध्यान मोबाइल और टीवी में लगा हुआ है। हम ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू, ऐसी गेम्स के थ्रू अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर कर सकते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट भी पढ़ाई में बढ़ेगा, बच्चे का ब्रेन भी डेवलपमेंट होगा और बच्चे को कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसके थ्रू बच्चा काउंटिंग अच्छे से सीख सकता है, उसको रिकग्नाइज हो जाएगी काउंटिंग, अल्फ़ाबेट और एक गेम की गेम हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या करना है, मैंने ऊपर 4 लेटर ले रखे हैं, 4 बॉक्स बनाए हैं मैंने, जिनमें एक एक लेटर मैंने मिस करा हुआ है। बच्चे को वो देखना है कि इसके अंदर कौन सा लेटर मैंने मिस करा हुआ है। तो मैंने ये इजी एक बॉक्स बनाया है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम टफ करते चले जाएंगे। इस बॉक्स में बच्चा देखेगा AEUK, मैंने 4 लेटर लिए हैं। 4 लेटर में से हम देखेंगे फर्स्ट रो के अंदर कौन सा लेटर मिस है। तो बच्चा चेक करेगा, उसको A लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है, K लिखा हुआ, तो कौन सा लेटर मिस है यहाँ पे? E। कौन सा लेटर मिस है? E। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? E। इसी तरह सेकंड रो में बच्चा देखेगा A मिस है, E लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है, तो फोर्थ लेटर कौन सा मिस है यहाँ पे? K। तो यहाँ पे क्या आएगा? A और K। थर्ड रो में बच्चा देखेगा A लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, क्या मिस है यहाँ पे? U और K। फोर्थ रो लेंगे, फोर्थ रो में A लिखा हुआ है, क्या मिस है यहाँ पे? E, फिर U और फिर K। ये एक ईजी हो गया। सबसे पहले हम बच्चे को थोड़ा इजी करने को देंगे, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे हम उसको टफ करते चलेंगे। ये मैंने एक ही कलर में सारे लेटर लिखे थे और एक ही रो में लिखे थे, जिसे AEUK, उनमें से मैंने कुछ मिस करा था। सेकंड मैंने उसमें क्या करा है कि मैंने एक तो कलर चेंज कर दिए। बच्चा कन्फ्यूज़ होगा कि कलर तो अलग अलग लिखे, जैसे ए ऊपर मैंने ब्लू में लिखा था, नीचे मैंने पिंक में कर दिया या ब्लू में कर दिया, रेड में कर दिया। दूसरी बात, मैंने इसमें क्या चेंज करा है, इस वाले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या करा था, सीधे लिखे हुए थे लेटर, सिर्फ मिस करे थे। इसमें मैंने लेटर ही अलट पलट कर दिए। जैसे यहाँ AGP लिखा है, तो कौन सा लेटर मिस है उसको बच्चे को यहाँ देखना होगा। तो यहाँ बच्चा अपना माइंड लगाएगा कि कौन सा लेटर मिस है। तो बच्चा देखेगा A लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, तो कौन सा लेटर मिस करा है यहाँ पे हमने? S। थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, माइंड लगाएगा और वो इसको कर पाएगा। यहाँ पे कौन सा लेटर मिस है? S। सेकंड रो में बच्चा देखेगा A लिखा हुआ है पूरे रो में, नहीं लिखा हुआ, S लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, तो कौन सा लेटर मिस है? A। तो यहाँ बच्चा A लिखेगा। थर्ड रो में बच्चा देखेगा A लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, कौन सा लेटर मिस है? S। फोर्थ रो में बच्चा देखेगा यहाँ पर A लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, तो कौन सा लेटर यहाँ पे मिस करा हमने? S। तो यहाँ पर लिखेगा बच्चा S। इससे बच्चे का अल्फ़ाबेट भी रिकॉग्नाइज हो गया, उसकी प्रैक्टिस हो गई और एक गेम के ज़रिए वो इस काम को कर भी पाया और बच्चे का ब्रेन भी डेवलपमेंट हुआ। थर्ड मैंने बनाया है, थर्ड पार्ट में मैंने क्या बनाया है, काउंटिंग लिखी है, अलग अलग कलर से लिखी है। अब बच्चों को यहाँ पे भी मिसिंग लेटर फिल करना है। जैसे बच्चा देखेगा 2, सबसे पहले ऊपर देखेगा बच्चा क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 7 मिस है, 6 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, तो कौन सा मिस है? 7। यहाँ बच्चा लिखेगा 7। सेकंड रो में बच्चा देखेगा 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो क्या मिस है यहाँ पे? 2। थर्ड रो में बच्चा देखेगा 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और 7 नहीं लिखा हुआ और 2 भी लिखा हुआ है, तो क्या मिस है यहाँ पे? 7। थोड़ा सा कंफ्यूज होगा पर वो कर ज़रूर पाएगा। थर्ड रो में बच्चा देखेगा 5 नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, 7 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो क्या मिस है यहाँ पर? 5। आप ऊपर भी अलग कलर से मेंशन कीजिए और नीचे भी उस नंबर को अलग अलग कलर से ही लिखिए, जिससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ब्रेन लगाए अपना और इस काम को कर पाए।
फोर्थ में मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं, हार्ट शेप, स्टार, सर्कल और स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है क्या मिस है। हार्ट बना हुआ है, स्टार नहीं बना हुआ, सर्कल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, तो क्या मिस है यहाँ पर? स्टार। तो बच्चा यहाँ स्टार फिल करेगा। सेकंड रो में आप देखेंगे सर्कल स्क्वायर बना हुआ है, हार्ट नहीं बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो क्या मिस है यहाँ पर? स्टार। थर्ड रो में बच्चा देखेगा यहाँ हार्ट बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, सर्कल नहीं बना हुआ, स्क्वायर बना हुआ है, तो क्या मिस है यहाँ पर? सर्कल। फोर्थ रो में बच्चा देखेगा हार्ट बना हुआ है यहाँ पर, स्टार नहीं बना हुआ, सर्कल बना हुआ है, स्क्वायर भी बना हुआ है, तो क्या मिस है यहाँ पर? स्टार। इस तरीके के कॉन्सेप्ट से बच्चा टीवी और मोबाइल बिल्कुल छोड़ देगा, बच्चे का ध्यान लगेगा इस गेम में, बच्चा इंटरेस्टेड होगा, वो इस गेम को खेलेगा, इससे बच्चे का ब्रेन भी डेवलपमेंट होगा और बच्चा मोबाइल और टीवी से भी काफ़ी दूर हो जाएगा और बच्चे के अल्फ़ाबेट काउंटिंग भी अच्छे से रिकग्नाइज हो जाएगी। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।